नक्सलियों ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत जियो टावर का कंट्रोल रूम उड़ा दिया गया, जिससे कंट्रोल रूम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में काला झंडा फहराकर विरोध दर्ज करवाया। घटना मंगलवार देर रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह डुमरी रेल लाइन को नक्सलियों ने उड़ा दिया एवं पर्ची भी छोड़ा। घटना से रेल परिचालन बाधित हो गई, तो वहीं पटरियों की मरम्मत करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। टॉप नक्सली प्रशांत बोस एवं उनकी पत्नी शीला मरांडी की रिहाई के लिए नक्सली लगातार आंदोलनरत हैं। इसी कड़ी में 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक प्रतिशोध दिवस नक्सलियों ने मनाया और कई जगह अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया और 27 जनवरी को झारखंड बंद का घोषणा किया। देखिए, शाम 7 बजे से हम लोग अलर्ट पोजीशन में थे। समय करीब 12:30 बजे जो हमारा गैंगमैन है उसने रिपोर्ट करा कि यहाँ पे बहुत तेज धमाका सुनने में आया है। तत्काल सारी ट्रेनों को रुकवाया गया और उसके बाद उनके द्वारा ट्रैक सर्च किया गया, तो यहाँ पर आने के बाद जो 334 नंबर किलोमीटर है इस पे एक्सप्लोजन हुआ है और ब्लास्ट हुआ था, और जिससे कि जो अप डायरेक्शन की ट्रैक है वो डिस्टर्ब हुई थी। उनके स्लीपर्स दाएं बाएं हो गए थे, कुछ पेंडल क्लिप्स भी खुल गए थे, तो ट्रैक कंसेप हो गया था। बाद में यह भी पता चला कि यहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था, तो पुलिस को सूचना दी गई और सीआरपी और सब लोग इधर ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसके बाद में एहतियात बरते हुए फिर इस जगह पे तमाम कार्रवाई हुई है और फिर ट्रेनों को चलाया गया 6:30 बजे सुबह से। सर, कितनी देरी रेल यातायात जो है वो बाधित रही? रेल यातायात 12:30 बजे से लेकर करके सुबह 6:30 बजे तक 6 घंटे बाधित रही। नक्सलियों की कुछ संख्या पता चल पाई है सर? देखिए, हम लोग रेलवे सुरक्षा बल से हैं, पुलिस बेहतर बता पाएगी आपको।